केमिस्ट्री, ऑफ एल्कीन्स, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस में दे देता हूं आपको। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और आप जानते हैं n जो है वो नंबर ऑफ कार्बोनेट। तमाम एल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप इज डबल बॉन्ड, और उस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है, एंड ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ये बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा, और इसमें से एक सिग्मा और एक पाई होगा। और आप याद रखिएगा कि जो पाई बॉन्ड है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा। अगर मुझे एल्कीन्स को टेस्ट करना हो तो हम दो डिफरेंट रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्वस ब्रोमीन। ओ लेवल केमिस्ट्री में आप कहते थे ब्रोमीन डीक्लराइजेस, हम एएस केमिस्ट्री में उसको नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट हमें लिखकर देना पड़ेगा रेड ब्राउन टू कलरलेस, ये ऑब्जर्वेशन लिख के देनी है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि एक्वस ब्रोमीन हो, एक्वस क्लोरीन से भी रिएक्शन होगा, उससे भी कलर ऑब्जर्वेशन जो है वो आप दे सकते हैं, दैट इज येलो ग्रीन टू कलरलेस। ओके, बिकॉज क्लोरीन का येलो ग्रीन कलर होता है। देन एक्वस KMnO4, KMnO4 का कलर पर्पल होता है, तो कलर ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे पर्पल टू कलरलेस। देन फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तमाम एल्कीन्स थ्री डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब कि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और मैं मैकेनिज्म से प्रूफ करके दूंगा इस बात को। देन वी हैव ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इतना लेंथी टॉपिक है एल्कीन के लिए कि हम बकायदा एक एक्सक्लूसिव क्लास लगाएंगे, प्रॉपर एक्सक्लूसिव क्लास होगी इसकी, फुल वन क्लास दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेप्थ एंड डिटेल। द लास्ट वन इज कंबस्टन, विच इज क्वाइट इजी, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एल्कीन को प्रिपेयर करने के कितने मेथड हैं। सो एल्कीन को प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं, और हम दोनों आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हम उसमें सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ इथेनॉल, जिसकी डायग्राम हमने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ओके, तो सबसे पहली बात, मिनरल वूल को हमने सोक्ड किया है इथेनॉल में। सो मिनरल वूल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब इथेनॉल। सेकेंड, आप नोट करें
ये आपके पास प्यूमिस है, प्यूमिस ब्रोकन क्रॉकरी होता है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता जब आप थर्मल डिकॉम्पोजिशन करते हैं ना, तो ये प्यूमिस ब्लैक कलर का हो जाता है क्योंकि इस पर कार्बन सूट डिपॉजिट हो जाता है। ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन कार्बन सूट इज डिपॉजिटेड एट प्यूमिस। दिस शोज ब्लैक कलर। ओके, एक और बात जो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें, इथीन को जो है वो ओवर वाटर कलेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज इथीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इथीन इनसॉल्युबल इन वॉटर, सो वी कैन कलेक्ट इट ओवर वॉटर। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे होते हैं, इसलिए ये ट्यूब रेड हीट हो चुकी होती है। हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस डिलीवरी ट्यूब को वाटर ट्रफ से बाहर निकाल लेते हैं, सो दैट ये वाटर सक बैक होकर इस ट्यूब में ना जाए, अगर चला गया तो ट्यूब बर्स्ट हो जाएगी। ओके, हम यहां लिखेंगे आफ्टर द एक्सपेरिमेंट डिलीवरी ट्यूब इज रिमूव फ्रॉम द वॉटर टू प्रिवेंट सकिंग बैक ऑफ वॉटर इन टू द ट्यूब। ओके, ये हमारा पहला मेथड है। अच्छा, हम यहां से इक्वेशन भी बना सकते हैं। आपको पता है हमने इथेनॉल लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, और आप जानते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है प्यूमिस की फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन एंड वाटर में प्लस H2O। जगह नहीं है तो मैंने यहां लिख दिया, सही है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी शख्स पूछे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या जवाब देंगे आप, ये बेसिकली होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सही है। ये मेरा पार्ट ए हो गया प्रिपरेशन का। अब पार्ट बी करते हैं, इस पार्ट बी में मैकेनिज्म भी आएगा, इस पार्ट बी में ठीक ठाक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो अब हम डिस्कशन करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। गाइस, डिहाइड्रेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वाटर।
अगर रिमूवल ऑफ वाटर नहीं कहेगा तो बेटा लॉस ऑफ 18 यूनिट मास भी तो कह सकते हैं, बिकॉज 18 इज द एम आर ऑफ वाटर, राइट। एक और बात कि जरूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन ही बोला जाए, हो सकता है एग्जामिनर इसको एलिमिनेशन कह दे, हो सकता है एग्जामिनर इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन बोलो या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो, इट डज मेक एनी डिफरेंस। ओके, अब डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से हम इथीन बनाएंगे, और डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल के लिए जरूरी है कि हम रिएजेंट्स बताएं आपको। फर्स्ट रिएजेंट इज इथेनॉल इटसेल्फ, द सेकेंड रिएजेंट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एंड द थर्ड रिएजेंट इज बेसिकली NaOH। NaOH एक सेपरेट कॉनिकल फ्लास्क में होता है, जबकि इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिफरेंट कॉनिकल फ्लास्क में होते हैं। ये तीनों रिएजेंट्स एक साथ एक वेसल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा। NaOH यूज क्यों कर रहे हैं, NaOH इज बेसिकली द हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। और हाइग्रोस्कोपिक एजेंट इज बेसिकली द मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। ओके, जब ये रिएजेंट्स रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन कंडीशंस भी तो काउंट होंगी ना, और ये रिएक्शन कंडीशंस एग्जामिनर्स की फेवरेट हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, व्हिच इज 180 डिग्री सेल्सियस। द सेकेंड वन इज कैटलिस्ट, और यहां पर जो कैटलिस्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा। तो ये जहन में रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएजेंट भी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट भी है, और मैं इसको 5 मिनट के बाद प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें आपके पास दो चीजें होंगी, एक इथीन और एक वाटर। इथीन इज C2H4 एंड वाटर इज H2O। तो जो फर्स्ट फ्लास्क होगी उसमें इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो इथीन और वाटर बनाएंगे। इथीन और वाटर ये दोनों डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक सेकेंड कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आएंगे, जहां पर ऑलरेडी NaOH अवेलेबल होगा। NaOH इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और इथीन को ड्राई फॉर्म में पास कर देगा। इक्वेशन CH3 CH2OH180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, यू विल गेट इथीन एंड वाटर। सो अगर इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो इथीन मिलेगा, प्रोपेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो प्रोपीन मिलेगा, ब्यूटेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो ब्यूटीन मिलेगा। ऑलराइट, ये रिएक्शन होता है, ये तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा उससे रिलेटेड अब बात करते हैं। एंड यू गाइस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द मैकेनिज्म, ऑलराइट, have to be very very careful. So let's move on to the second mechanism of the syllabus. आप जानते हैं कि ये आपके पास फ्लास्क ए में इथेनॉल है, और आप जानते हैं कि फ्लास्क
एक अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा फ्लास्क में इनटू एच प्लस एंड एच एसओ फोर नेगेटिव आइंस। अब फ्लास्क में दो चीजें हैं, इनफैक्ट थ्री, इथेनॉल, हाइड्रोजन आयन एंड एच एसओ फोर नेगेटिव आयन, राइट। तो स्टेप वन देखो, सी एच थ्री, सी एच टू, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। गाइस, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैं काउंट कर रहा हूं आपके सामने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। दैट मीन्स इथेनॉल विल सर्व एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और इस HSO4 के ऊपर माइनस चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब ये दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, विच मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑब्वियसली इट कैन रिएक्ट विद इथेनॉल बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल एंड दे कैन रिएक्ट टुगेदर। तो स्टेप वन में इथेनॉल जो है वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ। ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर होते हैं, बट यूज वो एक ही करेगा, दूसरा लोन पेयर कभी भी यूज नहीं होता। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, एंड सो दैट अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये सी एच थ्री एज इट इज, ये सी एच टू एज इट इज, ये ऑक्सीजन ऑलरेडी था, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डेटिव बॉन्ड बन गया। ओके, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड। ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव। जब डेटिव बॉन्ड नहीं बना था तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थे, जब डेटिव बॉन्ड बन गया तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेफिशिएंसी ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज। सो मैं लोन पेयर के बजाय पॉजिटिव चार्ज शो करूंगा, क्योंकि लोन पेयर अंडरस्टूड कंसीडर किया जाता है। ये बात डेटिव बॉन्डिंग में भी बताई थी मैंने आपको। मैंने डेटिव बॉन्डिंग में ये भी बताया था आपको कि ऑक्सीजन हमेशा टू कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, बट व्हेनेवर ऑक्सीजन फॉर्म्स थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, फॉर द सेम रीजन जो कि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेट सिखाया है। याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ऑक्सोनियम आयन को एमसीक्यूज में एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू प्लस। एग्जामिनर को आपसे ये इक्वेशन चाहिए, ये एरो की प्लेसमेंट्स चाहिए जो मैंने बनाएंगी, उसको वर्डिंग्स ही चाहिए आपसे, ठीक है। बट वर्डिंग्स आपके रिवीजन के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद, या ए टू में जाके अगर रिविजन करना हो तो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग इन योर रजिस्टर सो दैट यू कैन रिवाइज इजिली। सो हम यहां लिखेंगे लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथेनॉल रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन आयन so that dative bond is called between oxygen and hydrogen, hence ऑक्सोनियम आयन्स आर फॉर्म्ड। ये स्टेप वन की एक्सप्लेनेशन होगी।
स्टेप टू, स्टेप टू मैं ऑक्सोनियामाइन से स्टार्ट करूंगा, CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। गाइस, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट मेक्स द ऑक्सीजन अनस्टेबल। स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को ये प्लस चार्ज खत्म करना है, और ये प्लस चार्ज उसी वक्त खत्म होगा जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, पहली कि वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले, दूसरी वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले। अगर वो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ऑब्वियसली वापस इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर चला जाएगा, विच इज यूजलेस। अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुल करेगा थ्रू हेटरोलाइटिक फिशन। ये इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन पुल किया थ्रू हेटरोलाइटिक फिशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वाटर बन जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, विच इज वाई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड वेन एवर कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज उसको कार्बोकैटाइन कहा जाएगा। कार्बो कार्बन को कहते हैं, कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज। लेट्स राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अनस्टेबल टू न्यूट्रलाइज इट्स पॉजिटिव चार्ज इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम। एज अ रिजल्ट कार्बोकैटाइन्स आर फॉर्म। सो व्हेन कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज उसको कार्बोकैटाइन कहा जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप। एंड ऑब्वियसली वो थर्ड स्टेप में इस कार्बोकैटाइन के साथ स्टार्ट करूंगा। Recording in progress. ओके, तो थर्ड स्टेप जो है वो हमारा इस कार्बोकैटाइन से स्टार्ट होगा। हम इस थर्ड स्टेप को यहां लिखते हैं। गाइस, जो आपके पास थर्ड स्टेप है उसमें CH3 CH2 है। आपको बात समझाने के लिए मैंने उस CH3 को इस तरह से लिखा है, और ये हो जाएगा CH2+। ऑलराइट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स। ये गाइस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने ब्लू पेन से रिप्रेजेंट किया है, एंड ऑब्वियसली गाइस ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट किया है। ऑलराइट, अलर्ट रहना बहुत। आई नीड टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन, एंड फॉर दैट कार्बन नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इट विल गेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। एंड हाउ? उसके लिए ये बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम शिफ्ट होगा, और यहां से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा। तो ये CH2 पहले से था, ये सिग्मा बॉन्ड भी पहले से था, ये CH2 भी पहले से था, लेकिन एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ। जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बिटवीन द कार्बन एटम ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बनेगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा यू विल गेट एन एल्कीन, यू विल गेट योर इथीन, एंड दैट्स हाउ द इथीन इज ऑब्टेंड। और यहां से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन चला जाएगा। आप नोट करें, मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दोबारा से सिखाता हूं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था जो कि कार्बन ने हासिल किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, राइट? और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन था जो कि उसी के पास रहा ड्यूरिंग द रिएक्शन, कहीं नहीं गया। तो कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो टेक्निकली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से खत्म हो रहा है, और क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया है इसलिए हाइड्रोजन
इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गया, राइट। तो मैंने रिएक्शन किससे स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन आयन से। मुझे वापस क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब नोट करें इस थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया है और शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड किया है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम इज बेसिकली द नेबर कार्बन एटम। कैसे पहचानेंगे नेबर कार्बन एटम को, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसके नेबर में जितनी कार्बन एटम्स होंगी सब एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगी। ये एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये नेबर कार्बन एटम है। इससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, इससे शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होगा, हमेशा हर केस के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर। ये बात लिखने की, और इससे मैं तकरीबन 20-30 एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। यहां से एक एग्जामिनर अप्रोच, एन एग्जामिनर अप्रोच इज कि सर इथेनॉल ने और इस हाइड्रोजनाइन ने रिएक्शन करके इथीन बना लिया, दैट्स परफेक्ट। लेकिन कॉनिकल फ्लास्क में HSO4 नेगेटिव आइंस भी तो अवेलेबल हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ HSO4 नेगेटिव आइन इन द कॉनिकल फ्लास्क? तो याद रखिएगा कि ये जो HSO4 नेगेटिव आइंस हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, और उसी रिएक्शन वेसल के अंदर ये कार्बोकैटायन भी है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, दे कैन रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉनिकल फ्लास्क है, जहां उस कॉनिकल फ्लास्क में इथीन बनेगी, एग्जैक्टली उसी कॉनिकल फ्लास्क में ये इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स आपस में रिएक्शन करके एक और प्रोडक्ट भी बना रहे होंगे। एंड ऑब्वियसली वो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसको कहते हैं इथाइल, एच को कहते हैं हाइड्रोजन, SO4 को कहते हैं सल्फेट। सो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज एनदर प्रोडक्ट, यानी इथीन के साथ ये भी बन रहा होगा, बट फर्क इतना है कि इथीन 90% 98% बन रहा होगा या 2% बन रहा होगा, बनेगा जरूर।